हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सीटेट का जनवरी 2021 का साइंस का पेपर। तो विदाउट टाइम को वेस्ट कीजिए, सीधे ही पेपर सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। ये है पेपर 2, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के लिए ऑफकोर्स। एक्चुअली ये पार्ट टू के अंदर ही आएगा। मैथ्स और साइंस कंबाइंड होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन, पहले 30 आपके मैथ्स के होंगे, दूसरे 30 आपके साइंस में होंगे। 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट, इसमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग सेट है? तो यहाँ पे हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, तो ये सारे ही मैं आपको बता देता हूँ। हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ये है मसल्स। हार्ड स्ट्रक्चर विद फॉर्म्स द स्केलेटन, तो ये है हमारे बोन्स, हड्डियाँ। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, जो मुड़ सकता है, जो कि है कार्टिलेज, जो आपके घुटनों के बीच में, कोनी के बीच में, दो हड्डियों के बीच में होता है ना, दैट इज कार्टिलेज। जॉइंट्स द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म एन एनक्लोजर, तो ये हमारा होता है रिब केज, ठीक है। तो इसमें ये सही ऑर्डर है, तो आपका सही आंसर हो जाता है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग सेक्रेट्स मोर देन 2 हॉर्मोन्स, इंसानी शरीर में कौन सी ग्लैंड होती है जो 2 से ज़्यादा हॉर्मोन्स को रिलीज करती है? तो जो वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे दिमाग के बीच में होती है ना, वो 2 से ज़्यादा, एक्चुअली वो मास्टर होती है पूरे बॉडी की ग्लैंड्स की, इट इज़ एन सिंगल ऑपरेटर। तो यही हमारा सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सही है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, सही है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ये सही नहीं हो सकता, कुछ नॉन मेटल्स गैस नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये सबसे ज़्यादा सही है। सारे नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल ही होते हैं, कोई भी नॉन मेटल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो डक्टाइल हो। तो फोर्थ इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वाई इज एन मैन मेड फाइबर, वाई जो है वो इंसानों द्वारा बनाया गया फाइबर है, बट फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, इंसानों ने उसको बनाया है फैक्ट्री में, बट वो मिलता नेचुरली है, तो ये कौन सी चीज़ है? तो ये हमारा है रेयन, आई थिंक, क्योंकि रेयन जो है वो पेड़ के बीच में से एक वाइट कलर का पल्प होता है, उसको प्रोसेस करने के बाद मिलता है। तो हाँ, रेयन इज़ द राइट आंसर, जिसकी यहाँ पे साइड में मैंने फिगर लगाई है ना, दैट इज़ रेयन। यहाँ पे नाइलॉन की जो आप सुई धागा होता है वो भी आपने एक्रिलिक भी देखा हुआ होगा, एक्रिलिक जो गद्दे होते हैं ना जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसको आप खोल के देखो ना, तो रुई के जैसा ही होता है बट आर्टिफिशियल होता है, तो वो होता है एक्रेलिक। और जूट मतलब ये रस्सी आपने कई बार देखी होगी, ये नेचुरल होती है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, नीचे दिए गए टेबल को स्टडी करो और बताओ विच इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर डोमेस्टिक फ्यूल, घर में इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? तो कैलोरीफिक वैल्यू हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ पिघलाना नहीं है, तो मॉडरेट होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो हम आ जाते हैं बी और सी में से एक ही होगा। घर पे अगर आप यूज़ करते हो तो आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं करना, क्योंकि उसको हैंडलिंग प्रॉब्लम, स्टोरेज प्रॉब्लम हो सकता है, सॉलिड में भी वैसा ही है, ठीक है। तो वो लिक्विड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मॉडरेट में दोनों जगह गैस है, मतलब अभी तक बी और सी बने हुए हैं। इग्निशन टेम्परेचर उसका मॉडरेट ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मॉडरेट मतलब सी हमारा हो जाएगा सबसे सही आंसर। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज, ऐसी स्पीसीज जो किसी जगह से बंद गई हो, अगर उसके बाहर लेके जाओ तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड, जो खतरे में है, नहीं। एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म हो चुके हैं, नहीं। एंडेमिक, हाँ, कि वो ना बहुत ही अपने कम्फर्ट जोन में है, वो इवॉल्व नहीं कर पा रहे, तो एंडेमिक वो ख़त्म हो सकती है।
और माइग्रेटरी नहीं, माइग्रेटरी मतलब एक से वो तो रमता जोगी, वो कहीं पे भी चला जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, इट इज एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई, एक्स जो है वो वाई को डिप्लेस कर देता है फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस अ मेटल जेड। पर जेड को, एक्स जो है वो वाई को हरा देता है बट जेड को नहीं हरा पाता, तो ऑब्वियसली जेड सबसे स्ट्रांग होगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव, जेड इज द मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि उसको कोई हिला ही नहीं पा रहा, डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, लाइट रेस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ सर्फेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड टू अ कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। नेचर ऑफ इमेज ऑफ द, वॉट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म्ड ही नहीं होगी। इरेगुलर सर्फेस से अगर रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज फॉर्म नहीं हो सकती, तो नो इमेज विल बी फॉर्म्ड वुड बी राइट आंसर। हाँ सही है। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन अ ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। यहाँ पे दो, एक चीज़ ध्यान रखो कि रेशमा को बॉक्स को उठाना नहीं है, धक्का देके खिसकाना है। तो कोई भी वजन तभी खिसक सकता है जब वो अपना स्टेटिक फोर्स कवर अप कर ले। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो बक्सा एक स्टैटिक मतलब अपनी पोजिशन पकड़ने के लिए बल लगाता है। अगर उस फोर्स को आप ओवरले करते हो, ओवर पावर करते हो, तभी वो खिसकेगी वरना नहीं खिसकेगी। अगर उसको उठाना हो तब जाके ग्रेविटेशनल आएगी। नॉर्मल का मतलब है ऊपर की तरफ, वो नहीं। मस्क्यूलर फोर्स तो आपको लगानी ही लगानी है, बट इट इज नॉट राइट आंसर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। यस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर द पिच। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी पिच उतनी ही ज़्यादा होगी। हाँ ये सही है, लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द, नहीं लोअर द पिच, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी होता है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। डिटरमाइंड नहीं, नहीं नहीं, वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये भी सही है, यही सही है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इज एम्पलीट्यूड। पिच जो है, नहीं पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा सबसे सही है थर्ड, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन से सेट है जो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है? तो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन तो नहीं, टैप वाटर, शैम्पू हनी, शैम्पू वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर, ये हो सकता है। शुगर सॉल्यूशन कंडक्टर है, शुगर और सॉल्ट, विनेगर, लेमन जूस। थर्ड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, शैम्पू भी, वेजिटेबल ऑयल भी और डिस्टिल्ड वाटर। यस, वो बिजली को क्रॉस नहीं कर सकते अपने अंदर से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। केमिकल, इसमें से कौन से सेट केमिकल चेंजेस को, अच्छा यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझो। फिजिकल चेंज होता है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हो, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। पानी में से बर्फ बना तो बर्फ में से पानी बन सकता है, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। जैसे कि अगरबत्ती का धुआं हुआ पर धुएं में से अगरबत्ती नहीं बना सकते, तो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं केमिकल चेंजेस कौन सा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये पहला ही, क्योंकि आप जो बॉइल्ड वाटर है उसको कंडेंस कर से फिर से ड्रॉपलेट बन के पानी बना सकते हो। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये तो पहला छोड़ ही दो, एक 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 दो ऑप्शन देख के ही आप उसको स्किप कर सकते हो। डिजोल्विंग वाटर इन, डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, श्रेडिंग ऑफ पेपर, तो इसमें सारे नहीं है, डाइजेशन ऑफ फूड है। थर्ड है कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, उसमें बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं है। फोर्थ देखो, रस्टिंग ऑफ आयर, लोहे का जंग लगना, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ को जलाना और डाइजेशन, तीनों ही केमिकल प्रोसेस है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, नीना वॉज साइकिलिंग टू अ मार्केट टू बाई सम ग्रोसरी। ये पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि साइंस के पेपर में मैथ्स का प्रॉब्लम क्या कर रहा है, बट अभी अगर आ गया है तो हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं।
यहाँ पे स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। एवरेज स्पीड भी आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अच्छा, इसके ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं सी टेट के द्वारा, क्योंकि इसमें दो आंसर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। नमक और पानी के मिक्सचर में से कौन से प्रोसेस विल नॉट बी हेल्पफुल, हेल्पफुल नहीं होगी? तो डिस्टिलेशन और बॉइलिंग से तो कर सकते हैं, पर डिकेंटेशन से भी नहीं होगा और फिल्ट्रेशन से भी नहीं होगा। इसके दो आंसर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसी की वजह से इसके ग्रेस मार्क दे दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ शेडो फॉर्मेशन। परछाई बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑफकोर्स लाइट ट्रैवल्स एट अ हाइट स्पीड, इसका शेडो से कोई लेना देना नहीं है, बात सही है बट शेडो से लेना देना नहीं है। लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, इस सही है बट लेना देना शेडो से नहीं है। लाइट डज नॉट पास थ्रू एन ऑपेक ऑब्जेक्ट, तो ए और डी दोनों सही है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। यस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन अ सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन अ क्लेई सॉइल। मिट्टी के बारे में है कि करेक्ट स्टेटमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन सैंड इन अ सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के अंदर फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं क्लेई सॉइल से ज़्यादा। द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम इन अ क्लेई सॉइल। प्रोपोर्शन इन अ लार्ज पार्टिकल्स इज लोमी सॉइल इज रिलेटिवली, द प्रोपोर्शन इन फाइन पार्टिकल्स इन क्लेई सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन अ लोमी सॉइल। तो सही आंसर है 4, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन अ क्लेई सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन द लोमी सॉइल। आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज द ब्लीडिंग ऑफ जर्म्स। द विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड, फूड जेड, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे इस एक्स विटामिन की कमी की वजह से गम्स में ब्लीडिंग होती है, और ये जो विटामिन है वो ज़रूरी है मिनरल्स को एब्जॉर्व करने के लिए, वाई मिनरल को एब्जॉर्व करने के लिए, और ये जो एक्स मिनरल है जिसकी कमी से खून आता है वो खाने में भी पाया जाता है जेड खाने में, तो ये क्या है? तो यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन देखे तो खून की कम, आयरन की कमी की वजह से खून निकलता है, आई थिंक साइट्रस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो इसका सही आंसर आई थिंक बी होना चाहिए। यस, कि आयरन जो है वो साइट्रस फ्रूट से मिलता है और उससे विटामिन एक्स, विटामिन सी, हाँ विटामिन सी की कमी की वजह से, हाँ सही है। थोड़ा ट्रिकी है बट यू कैन कैच इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ साइंस। साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बेनिफिट्स, ये तो है ही। साइंस इज द सोशल इन नेचर, हाँ समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है साइंस। साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, नहीं ऐसा नहीं होता। द साइंटिस्ट मेथड इज द ओनली गाइड टू कंडक्टिंग रिसर्च, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, उसमें ज़्यादा सेकेंड। यस, कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर अ टाइम। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स, डिल्यूशन ऑफ कॉन्टेंट, इंक्लूजन ऑफ अप्रोप्रिएट फन एलिमेंट्स इन अ साइंस। तो आई होप फर्स्ट, नहीं, एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स, हाँ बच्चों के सीखने की कैपेबिलिटी के हिसाब से कंटेंट देना। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच इज द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड, कौन सी चीज़ रिकमेंड की गई है? कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरी डे एक्सपीरियंस, कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटीज, कॉन्सेप्ट शुड बी थ्रू द डिसिप्लिनरी अप्रोच अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट लॉस एंड थियरीज नीड टू बी ABC, आई थिंक A and B. Concept should be arrived from the activities and experiment. Concept should be linked to the making sense of everyday experience.
फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस. साइंस रिलाई ऑन हैविली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क. हाँ सही है. ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स. हाँ. When theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law. हाँ. In time, science will be able to solve most of society's problem. Statement that is true about science. Great deal of scientific evidence, it becomes law. I think third. First, scientists rely heavily on imagination. अच्छा, rely heavily on imagination to carry out their work. ट्रू. अजम्पशन से ही साइंस की शुरुआत होती है. सही है. इशू वॉज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट्स फॉर अ वीक. आइडेंटिफाई वेयर इशू वेंट रॉन्ग फ्रॉम असेसमेंट इंडिकेटर्स गिवन बिलो. शी टेबलेट डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट एवरी डे. ये तो सही बात है. शी अराइव्स एट अ कंक्लूजन दैट. अच्छा, उसने कंक्लूड कर लिया दैट रेन मे और मे नॉट टेक प्लेस इन द कमिंग वीक. शी conclude that decrease the humidity increase the likelihood of rainfall. उसको ऐसे लगा कि humidity कम होने से बारिश बढ़ जाती है. She understand that range of maximum and minimum temperature varies every day. ये which was given the greater identify where issue went wrong from the assessment of indicators given below. तो इसमें सबसे गलत indicator है humidity वाला. She concludes that कंक्लूड कर लिया उसने, समझ लिया कि ह्यूमिडिटी कम होने से बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यस राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप्स इन अ लर्नर्स. ऑर्गेनाइजिंग क्विज सेशन, ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स, गिविंग होमवर्क रेगुलरली. तो ये कॉन्सेप्ट मैप सबसे ज़्यादा अच्छा रास्ता है गैप्स को फिल करने का. To encourage more girls to take up science, you may adopt all for the following strategies except. अगर लड़कियाँ साइंस ज़्यादा ले ये आपकी चाह है तो आप कौन सी स्ट्रेटर्जी को छोड़ देंगे, बाकी सारी अडोप्ट करेंगे. एक्सेप्ट कौन सी नहीं करनी चाहिए. यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड एनकरेज योर स्टूडेंट्स टू डू सो. बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन अ साइंस क्लासरूम. Invite women scientists to visit your classroom. Engage students in examination myths, stereotypes about science. Except है इसमें दो गलत है. Engage students in examination myth and stereotypes about science. But इससे फायदा होता है myth में. Second जो है be mindful that girls always dominate discussion in a science classroom. ये negative है तो second yes. ये स्ट्रेटजी गलत है. साइंस टीचर्स नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बिकॉज इट स्टिम्युलेट्स एंड डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग. इट डायरेक्ट स्टूडेंट्स टू करेक्ट आंसर. इट हेल्प्स टू डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटजी. इट हेल्प्स इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन अ करियर. तो ए बी कौन सा नहीं है. It stimulates develop critical thinking. It directs students to correct answers. It helps develop thinking strategies. हाँ, it helps in assessing creative. B नहीं होना चाहिए, A, C और D होना चाहिए. तो second would be right. Yes. आगे बढ़ते हैं. Using demonstrations in classroom predominantly involves learners in visual and audio learning. हाँ, अगर आप क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेशन करते हो तो वो ऑडियो विजुअल ही होगा. तो फर्स्ट वुड बी राइट. विजुअल लर्निंग नहीं, विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक नहीं, क्योंकि बच्चे तो बैठे हैं ना. ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक नहीं, विजुअल एंड ऑडियो फर्स्ट वुड बी राइट. गिव द सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन अ टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी. अलो स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक. Allow student to play with the water in a tub with a different objects. Ask student to design a small boat that can carry 1 kg of void. अच्छा, तो give sequence. ये तीन चीज़ों में से सबसे पहले बच्चों को अलग अलग चीज़ों के साथ खेलने देना चाहिए, which is option B.
देन अलो स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड सिंक, उनको समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ तैरती है कौन सी डूब जाती है, और उसके बाद जो तैरती है उसको बोलना चाहिए कि उसके ऊपर 1 kg वेट डाल के देखे, तो बी देन ए देन सी वुड बी राइट, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 आई थिंक, यस राइट। वाई इज अ प्लांट विच डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, वॉट कुड वाई बी, वाई एक ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, उसका मतलब वो शुगर जनरेट नहीं कर सकता, खुद का खाना खुद से नहीं बना सकता, सूरज की मदद से नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये प्लांट कौन सा होगा, कसकटा, आल्गी, पिचर प्लांट और मैपल ट्री। पिचर प्लांट के अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता, पर वो एक शिकारी प्लांट है। एल्गी के पास होता है, मैपल ट्री के पास भी होता है। पीचर प्लांट और कसकटा दोनों चीज़ें सही है। पीचर प्लांट जो है वो कॉर्निवोरस प्लांट है, वो शिकारी प्लांट है, जबकि कसकटा है वो पैरासाइट है, दूसरों के ऊपर ज़िंदा रहता है। तो विच डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल, वॉट शुड, तो कसकटा और पीचर दोनों होना चाहिए, बट लेट इट बी विथ कसकटा, तो फर्स्ट वुड बी राइट, यस कसकटा इज़ अ राइट आंसर। यहाँ पे नीचे मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ सही है, लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली साइज में बड़ा होता है, लेंथ में छोटा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में छोटा और लेंथ में बड़ा होता है, तो फर्स्ट वुड बी राइट, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स, कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो द लार्वाज ऑफ सिल्क मॉथ्स आर कॉल्ड एज कैटरपिलर्स, द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर्स, सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन सेक्रेटेड बाय कैटरपिलर्स, नहीं, द सिल्क यार्न इज ऑब्टेंड फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो यहाँ पे मैंने पूरी लाइफ साइकिल लिखी हुई है सिल्क वॉर्म की, तो इसका सही आंसर होगा प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, और प्यूपा अगर डेवलप ना हो कैटरपिलर में तब जाके आप इसको सिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे साइंस के भी 90 क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलो। आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।